मध्य प्रदेश विधानसभा में एक्टिंग लीडर ऑफ अपोजिशन बाला बच्चन जी हमारे साथ मौजूद हैं। राज्यपाल का अभिभाषण पेश हुआ है, बालाजी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी प्रतिक्रिया यह है कि ऐसा अभिभाषण बहुत कम देखने को मिलता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, तभी ये सब इस तरह के अभिभाषण देखने को और सुनने को और पढ़ने को मिल रहे हैं। केवल और केवल आंकड़ों की बाजीगरी है, आंकड़ों की कलाकारी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ आपको इसमें अच्छा कुछ लगा इस पूरे अभिभाषण में, जिसे आप 10 में से कुछ नंबर देना चाहेंगे? नहीं, अभी हम 23 तारीख से जब बोलेंगे कृतज्ञता प्रस्ताव पर, हम लोगों के जो स्पीचेस होंगे, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें स्पष्ट करूंगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। 23 तारीख और 27 और 28 और 2 मार्च इसके लिए तय हुई है, तो उसमें हम लोग सारी चीज़ें स्पष्ट कर देंगे। बाकी कुछ विशेष कुछ नहीं है इसमें अभिभाषण में। झूठ का पुलिंदा यहाँ पे करार दिया, विशेष कुछ भी नहीं है, और साफ तौर पर तारीखों का भी ऐलान भी कर दिया यहाँ पर कि कांग्रेस के तेवर किस तरह से रहने वाले हैं। वाले जी, क्या तब तक आपके औपचारिक घोषणा हो जाएगी, क्या अभी से हम बधाई दे दें? हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी घोषणा हो जाएगी, लेकिन किसकी घोषणा होगी ये हमको कोई किसी को कोई खबर कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसकी घोषणा और इसका फैसला करना है श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को। तो जब जिसका नाम क्लियर डिक्लेयर होगा तब पता चलेगा, और वो हमारी पार्टी का हाउस का वो लीडर होगा, और उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे, और वो नेतृत्व हमको सबको सर्वमान्य होगा, और उस नेतृत्व में हम इस सरकार को जो बेलगाम है उस पर हम लगाम लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आपके जो तेवर हैं काफ़ी तीखे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर इनके नाम की घोषणा होती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो ऊर्जा है यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।